आपका स्वागत है दोस्तों हमारे नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की शुरुआत देखो, आज हम पेड़ से कर रहे हैं। तो अब तक मैंने जो कि एक टोकरी तोड़ दिया है, बाकी मैं यहाँ पर भीषम बाइक के चक्रपाल तोड़ने आया था। तो ठीक, मैं गांव के नीचे हूँ अभी, जो कि यहाँ से ऊपर गांव दिख रहे हैं, बाकी जो कि घर पार दिख रहा है और सूरज दिख सकते हैं आप, पार निकल चुका है। तो एक टोकरी जो कि मैंने तोड़ दिया है, बाकी दोस्तों ये चक्रपाल है ना, तो इसका जो कि टेस्ट मीठा होता है। बाकी भीषम बाइक आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े चक्रपाल हैं, क्योंकि हमारे तो आप देखे था ना बहुत ही छोटे थे, और लगे भी भीषम भाई के बहुत सारे आप देख सकते हैं पूरे, फिर भी मतलब इतने बड़े बड़े साइज है। तो इसको मतलब अगर इसके अंदर एक गुठली भी होता है देखो, इसके अंदर गुठली होता है का, खाने में जो एकदम मीठा होता है, तो पक्का पक्का है ना। अभी जो कि मैं पेड़ ना सबसे ऊपर जो टॉप टॉप है ना वही तोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो कि टॉप है ना यहाँ पर, मतलब तो इसी में तैयार है। अब बाकी नीचे देख सकते हैं पूरे अभी छोटे हैं, हरे हैं, जो कि मैंने एक टोकरी तोड़ दिया, तो उसको दे देते हैं। लो भीषम भाई, टोकरी 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 ले लो। जाना पड़ेगा, आ जाओ थोड़ा ऊपर। लो छोड़ दो जी। ओ यार इसमें तो साइज बड़ा भाई साइज है ना, अच्छा साइज है इसमें, टॉप में है। अच्छा अच्छा तोड़ दिया ना, ठीक है मतलब सारे नहीं तोड़ने, ठीक है मतलब ये है। ओके ओके बाकी दोस्तों, अब मतलब कि यहाँ पर जो कि एक ही पेड़ है यही तोड़ना है मैंने। तो मतलब कि मैं आज सुबह 6 बजे आ गया था, 6 से मतलब 8 बजे तक ही करूँगा मैं काम, तो उसके बाद अपने बाबूजी के ही है काम पर जो कि दिहाड़ी पे जाना है। तो फिलहाल इसको तोड़ता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सामने जो कि पेड़ था ना सारा तोड़ दिया आप देख सकते हैं, जो कि इसका टॉप टॉप था ना सारा तोड़ दिया, तोड़ दिया। बाकी जो यहाँ पर है दो टोकरी में, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काली और बस चले, क्या नाम इसका, सिल्की सिल्की है यहाँ पर। बाकी ये दो क्रेट था ना ये तोड़ दिया, तो अभी जो कि भीषम भाई घर में छोड़ना पड़ेगा, तो इसको लेके जाते हैं पहले। अभी दोस्तों मैं भीषम भाई के यहाँ पर घर पर आ गया, तो क्रेट जो कि मैंने यहाँ पर रख दिया, बाकी पलम शक्कर पारा जो आपके यहाँ पर रखा है। तो अब मैं जाता हूँ घर, खाना खाना खा के काम पर जाना है गांव में, जो यहाँ पर है ना यहाँ जैसे तोड़ रहा था मैं शक्कर पारा। अब दोस्तों मैं घर पर आ गया हूँ, तो मतलब खाना खाना खाते फिर जाएंगे काम पर। तो खाने में दोस्तों भात और सब्जी है। अब दोस्तों मैं खेत में आ गया हूँ, तो मतलब काम पर आ गया हूँ, तो अभी जो कि यहाँ पर जो काम करना है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला खोदना है। बाकी आसपास तो बादाम के पेड़ है यहाँ पर, बाकी चेरी के और सेब के होने इधर पीछे को, मौसम तो बिल्कुल साफ है आज, तो मतलब यही खोलना मैंने, तो उसको खोल लेता हूँ। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर खोदना था सारा खोद लिया है। तो अभी जो कि ये वाला घास है ना ये लेके जाना है अभी घर, फिर दोपहर दोपहर खाते, तो उसके बाद हम कोल्ड स्टोर जाएंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन होते हैं। पहले घास लेके जाते हैं इसको। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि घास लाया था ना वो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो अब जाके दोपहर खाते हैं उसके बाद जाएंगे कोल्ड स्टोर। बाकी जो सुबह जो मैं खोद रहा था ना तो बादाम था उसका जो कि तौलिया वो भी हो गया था, बाकी वहाँ पर सब्जी लगाना था, मिर्च हो गया, बाकी बहुत कुछ हो गया, मतलब तो अपनी मर्जी जो भी लगाओ। तो अभी जाएंगे हम कोल्ड स्टोर, पहले दोपहरी खा लेते जाके। अभी दोस्तों मतलब 2 बज रहे हैं, तो हमारा लंच टाइम भी हो गया, तो लंच में आप देख सकते हैं कुछ रोटी है यहाँ पर,
और कुछ चाय है और दाल है यहाँ पर। लंच करने के बाद दोस्तों मैं घर से ये लेके आया था, तो अभी जो कि हम जा रहे कोल्ड स्टोर, तो मतलब कि वहाँ पर मेरा काम है, स्विगी सेब है ना वहाँ पर रखा हुआ, तो उसको मतलब कोल्ड स्टोर से निकालना है बाहर। फिर चलो इस साल को जो कि वहाँ पर सेब स्टोर करके रखा था ना, तो अभी जो कि वहाँ से निकालना है और मार्केट के लिए भेज देना है। तो हमारा काम है वहाँ जाके पेटी निकालना, तो ये वहाँ पर काम कोल्ड स्टोर में, तो चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों मैं सड़क में आ गया हूँ, तो बाकी आप देख सकते हैं ना, यहाँ नीचे है बाबूजी घर ना, यहाँ सब दिख नहीं रहा ना, अभी देखो वहाँ नीचे ना वो वाला वहाँ क्या आए थे अभी। तो अभी मतलब बाबूजी गाड़ी में जाएंगे हम यहाँ से परे, तो वहाँ से 8 किलोमीटर है यहाँ से टिक्कर तक, टिक्कर में जो कोल्ड स्टोर। अब दोस्तों मैं कोल्ड स्टोर में पहुंच गया हूं, तो यहां पर मतलब कि जो कि सारा सेब निकाल दिया, जो कि हमारे बाबूजी का इरादा हुआ है सेब, बाकी तो यहां पर अंधेरा है तो मैं शायद खा नहीं पाऊंगा, अगर उजेला होगा तो फिर खाऊंगा मैं आपको। तो बाकी ऐसे ही आप देख सकते हैं यहां पर कोल्ड स्टोर पूरा, बाकी ये भी है एक कोल्ड स्टोर, तो मतलब रूम में देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारा लिखा है पर 8 है, मतलब 8 रूम होने पूरे यहाँ पर देख सकते हैं ना, पर इसे लेकर यहाँ तक पूरा 8 रूम होगा। बाकी शायद ये वाला तो नहीं है कोल्ड स्टोर, हाँ यही हो गया, तो मतलब सारे जो खुले हैं ना, पर इसे देख सकते हैं ना सारे मतलब खुले हुए हैं, ये सारे मतलब ख़त्म हो गए, या तो परे वाला होना या तो ये वाला होना जहाँ से हमने सेब निकालना है। तो हम अंदर आगे कोल्ड स्टोर में, बाकी आप देख सकते हैं ये वाला पेटी जो कि हमने लेके जाना है परे। दोस्तों मैं घर पर आ गया हूँ, तो मतलब कि कोल्ड स्टोर में ऐसा सीन हुआ कि मेरे साथ मतलब कि वहाँ पर दोनों हाथों से काम करना पड़ रहा था, फिर गाड़ी भी जल्दी आ गई थी, फिर मतलब जल्दी जल्दी में हुआ, फिर मतलब वहाँ पर वीडियो मैं ढंग से बना भी नहीं पाया और एंड भी नहीं कर पाया, तो मतलब काम पर आपको पता है होते ही नहीं ना। तो अभी तो मैं घर पर आ गया हूँ, तो अभी फिर हवा में जलाऊँगा फिर नहाऊँगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना, बाकी मिलते आपसे नए वीडियो में, बाय बाय।